close till I get up. Time is barely on our side. So hello guys, and आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में. So guys, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम हैं संदीप भैया आए हुए दिल्ली से. और गाइज हम लोग अभी भी हैं बेगूसराय में. आए हुए हम लोगों को 9 दिन हो गए आज को कंप्लीट. अभी हम लोग करेंटली हैं नेशनल हाईवे पे. ये सीधा रास्ता है जो गाइज ये मुजफ्फरपुर भी जाता है. और आज हम लोग जा रहे हैं गाइज चंपारण मीट हाउस, जो है बहुत फेमस है और इसके बहुत सारे ब्रांचेस है बहुत सारे जगह पे बिहार में स्पेशली. सॉरी बिहार में ही है मेरे ख्याल से. तो बेगूसराय में भी एक ब्रांच है पर हम लोग बेगूसराय वाले ब्रांच में नहीं जा रहे हैं. हम लोग करेंटली जा रहे हैं दलसिंहसराय वाले ब्रांच में, जो कि हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर आसपास है. पर हम लोग थोड़े से आगे जा करके वहाँ से यू टर्न मार के वापस जा रहे हैं उधर. तो अभी हम लोग जाने वाले गाइस दलसिंहसराय, वहाँ पे खाएंगे मीट हाउस में, देखते हैं वहाँ का टेस्ट कैसा है. सो गाइस बने रहिएगा वीडियो पे और देखते हैं आगे कि और क्या होता है. तो आपको सारा वीडियो में दिखाएंगे आज की. तो गाइस हम लोग अभी रास्ते में हैं और जा रहे हैं दलसिंहसराय. यहाँ से है अभी हम लोग चल चुके हैं 27 किलोमीटर्स. अभी यहाँ से और लगभग 10 किलोमीटर के आगे है और वहाँ पे चंपारण मीट हाउस है. तो हम लोग वहाँ पे जाके भी खाने वाले हैं और देखते हैं कि वहाँ पे टेस्ट कैसा है. वैसे बहुत सुना है उसका नाम कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बट फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं. सो एक्सपीरियंस आपको भी शेयर करेंगे वहाँ पहुँच करके, आप लोग कैच करते हैं. तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए गाइस. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा. सो गाइस मिलते हैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए टाटा. गाइस अभी हम लोग आ गए हैं चंपारण मीट हाउस. जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ही हम लोग, और यहाँ पे ऐसा कुछ है मेन्यू. ये मटर यहाँ पे कढ़ाई वाला करेंटली गाइस अभी मिल नहीं रहा है. सो हम लोगों ने ऑर्डर किया फिर भी चिकन लॉलीपॉप, वेज रोल वगैरह सब, एग रोल वगैरह सब, और नॉन वेज वाला भी रोल ऑर्डर किया है, चिकन रोल वगैरह. तो देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है और क्या है नहीं है. फिलहाल तो लग रहा है हमें कि काश बेगूसराय वाले चंपारण मीट हाउस जाते तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहते, बट कोई बात नहीं गाइस. यहाँ का भी टेस्ट देख के बताते हैं आपको कि कैसा लगता है. सो नाम आप देख सकते हो गाइस, रॉयल चंपारण फैमिली रेस्टोरेंट. रोल खा लिया हम लोगों ने, चिकन लॉलीपॉप भी आ गया है और इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसा है. फाइनली हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज मंगाया और अभी खा रहे हैं. और यहाँ से नीचे जाकर के गाइस हम लोग रिव्यू देंगे कि कैसा लग रहा है वो खाने में और कैसा है मतलब टेस्ट और क्वालिटी वगैरह कैसा है. तो मिलते हैं गाइस हम लोग गाड़ी में, बताते हैं आपको वहाँ पे क्वालिटी वगैरह कैसा था. हम लोगों ने फाइनली जो है वो चंपारण मीट हाउस में जो खाना था वो खा लिया है. और ये जो वीडियो है ये मैं डे टू में शूट कर रहा हूँ फिलहाल. तो जो टोटल बिल आया था गाइस वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बिल कम ही था, 496 रुपीज़, मतलब लगभग 500 रुपये का बिल आया था. और जो टेस्ट था गाइज वो कुछ खास नहीं लगा ऐसा मुझे. रोल वगैरह ठीक था, मतलब अगर आप ऐसे कंपेयर करना चाहते हो कि बाहर ठेले वाले से कैसा था तो ऑब्वियसली उनसे अच्छा था थोड़ा सा. बाकी गाइज वहाँ पे बैठने के चार्जेस थे और जो मतलब कढ़ाई वाला मटन था उसका प्राइसेस आपको पता ही होगा, वो आपको मैंने दिखाया था वीडियो में, तो उसमें आप प्राइसेस देख सकते हो. काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, 800 पर केजी था ऐसे कुछ करके था. तो गाइज वो काफ़ी कॉस्टली था तो मतलब मुझे वर्थ ही नहीं लगा गाइज, क्योंकि उसके लिए हम लोग ऑलरेडी 30-40 किलोमीटर उसके लिए एक तरफ से गए फिर एक तरफ से 30-40 किलोमीटर आए. तो गाइज वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ गया था और मतलब टेस्ट भी वैसा कुछ खास नहीं था. उम्मीद गाइज उसके बदले अगर मुझे लगता है मैं अगर बेगूसराय वाले में जाता तो शायद ज़्यादा टेस्ट वहाँ का अच्छा रहता. और हम लोग को जो खाना था वो भी मिला नहीं गाइज. हम लोग खाना था वो जो हांडी में जो बनता है मटन वो खाना था, पर वो उनके पास था नहीं. सो कोई बात नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ठाक था रहा. चिकन लॉलीपॉप ठीक लगा मुझे, अरे मत कर बेटा. तो गाइज ठीक ठाक से लगा मुझे. गाइज इससे मिल लो, इसका नाम है अनय, बहुत सही ताल है. तो गाइज चिकन लॉलीपॉप का जो था वो टेस्ट मुझे अच्छा लगा. और फ्रेंच फ्राइज तो गाइज इतना वाहियात बनाया. और उसका प्राइस मैं बताता हूँ, उसका प्राइस था 60 रुपीज़. ऐसे प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है. पर गाइज एकदम मतलब फ्रेंच फ्राइज बेकार बनाया, मतलब लगा था कि आलू को छान करके ले आए हैं, तो खैर वो मज़ा नहीं आया. तो गाइज वैसे तो चंपारण में स्पेशली फेमस है मटन के लिए. अगर आप जाओ कहीं पे तो वहीं पे खाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है. जैसे कि पटना का बहुत ज़्यादा फेमस है, सासाराम का बहुत फेमस है, बेगूसराय मेन मार्केट का फेमस है. यहाँ वहाँ के जो इनके जो नए नए खुले हैं अपार्ट ब्रांचेस वहाँ पे खाना मतलब मुझे नहीं लगता सही रहेगा, और ना ही वहाँ का टेस्ट कुछ खास अच्छा रहता है.
सो गाइस यही था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी दलसिंह सराय में कभी रुको चंपारण मीट हाउस में खाने के लिए, तो यार मेरा ये एक्सपीरियंस पर्सनल रहता है कि गाइस टेस्ट कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं रहने वाला, इससे बेहतर रहेगा अगर आप बाहर ढाबे वगैरह में खाना चाहो तो वहाँ पे भी खा सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन